जिज्ञासा के माध्यम से खुशी। दस TRS क्लिप्स हिंदी, हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी। दोस्तों इस पॉडकास्ट में पहले प्यार की बातें करी हमने, फिर एक और इमोशनल सब्जेक्ट आ गया। आप बस्सी को जानते हो, एक स्टैंड अप कॉमेडी? अनुभव सिंह बस्सी मैंने देखा एक दो बार, उसका एक मैंने देखा था एपिसोड था, वो कॉलेज हॉस्टल में शायद कूलर बच्चों ने गिरा दिया ऐसा कुछ था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। बस्सी भाई आए थे पॉडकास्ट पर, मैंने सोचा कि मजाक करेंगे उनके साथ, जोक्स रैप करेंगे, वो पूरा पॉडकास्ट सीरियस हो गया मेंस इमोशनल हेल्थ के बारे में इतना दर्द निकला है उस पॉडकास्ट में दोनों तरफ से। आई फील कि अक्सर लड़के एक दूसरे से इमोशनल बातें नहीं करते, और ये एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। इस पर अगर आपको इंटरेस्ट हो तो एक सिगमंड फ्रॉयड की स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उनको पढ़िए, उनका थीसिस है, उसका नाम है द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मेल्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, वो छुपाते हैं, ऐसा नहीं, उनकी वो कैपेसिटी बचपन में खत्म हो जाती है। और उसका पूरा उन्होंने कहानी ये बताई कि जब बच्चा 6-7 साल का होता है, आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, माँ के साथ चिपक के सोता है जी, तो उसको माँ के साथ बड़ा सुकून मिलता है, उसको लगता है कि यही मेरा संसार है, क्योंकि माँ उसकी सभी जरूरतें पूरी करती है, तो उसको कंफर्ट लगता है वहां। फादर के साथ अच्छा लगता है, पर फादर के साथ लंबे समय का कंफर्ट नहीं है, वो कुछ मिनट का है, कुछ समय मतलब एंजॉय करने का है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट में हमेशा माँ पसंद आती है। अब 6-7 साल या 8 की उम्र के बाद क्या होता है कि बेटे को हम माँ से अलग करने लगते हैं कि अलग कमरे में सो, दूर सो, और वो हर कल्चर की जरूरत है ताकि बेटे के मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स ना आने लगे, क्योंकि वो बड़ा होने वाला है। बेटी को वो दिक्कत नहीं आती है, तो माँ और बेटी जिंदगी भर एक साथ सो भी सकती हैं, हर तरह की बात कर लेती है, क्योंकि माँ के जीवन के अनुभव और बेटी को जो अनुभव होंगे किशोरावस्था के बाद वैसे ही सेम होने वाले हैं, तो बच्ची माँ से ही बात करेगी। बेटा भी किशोर होगा पर बेटा माँ से बात नहीं कर पाएगा, और बेटे और बाप में तो और कम बात होती है। तो जो बेटा नाम का जो प्राणी है ना घर के अंदर, वो इमोशनली बहुत अकेला है, वो जब बड़ा होता है तो वो अपनी बातें, स्पेशली द चेंजेस इन बॉडी जो उसको फील होते हैं, बाप से तो वो कोई बात नहीं कर पाता, तो ये तो क्या ही करेगा। माँ भी इन मामलों में थोड़ा सा पर्दा रखती है बेटे के साथ, बेटी के साथ नहीं रखती है, बहन से कैसे बात करे इस तरह की। भाई अगर है बराबर उम्र का तो शायद कर ले, पर बहुत कम घरों में भाइयों में दोस्ती वाला संबंध होता है, आमतौर पर वहां वो सम्मान और रिस्पेक्ट वो हावी हो जाता है। इसलिए 13-14 साल के लड़के के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपने दोस्तों से बात करे। दोस्त भी उतने ही अकेले हैं अपने अपने घर में, सही किसी को नहीं पता है, तो कहीं कहीं से वो ज्ञान चुराते हैं, आपस में शेयर करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना, और क्योंकि घर के अंदर से वो इमोशनल स्टेबिलिटी उनको नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलती इन मामलों में, तो लड़के मतलब नैन्सी कोडोरो जो बता रही है, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जी, तो लड़का एक विद्रोह के भाव में रहता है कि मुझे मेरी माँ ने मुझसे अलग कर दिया और मैं अपनी बहन की तरह माँ के साथ नहीं रह पाता हूँ, तो घर की दुनिया से डिटैच होके बाहर की दुनिया में सुकून ढूंढता है। इसलिए आप देखेंगे जनरली लड़कों के लिए पैसा, रुतबा, पावर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इसकी जितनी वैल्यू है जनरली लड़कियों के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो घर के माहौल में अपनी माँ के साथ, पापा के साथ जितना सुकून उनको मिलता है, तो इनके लिए सफलता के मायने जनरली अलग रहते हैं, वो सफलता प्यार मोहब्बत में ज्यादा देख पाती हैं। इसलिए आप फिल्मों में देखेंगे जब लड़के लड़की मिलते हैं तो लड़की क्या बोलती है, एक छोटा सा घर हो, तुम रहो, मैं रहूं, लड़का ऐसी बात आमतौर पर नहीं बोलता है, उसका सपना छोटा घर नहीं है, उसका सपना केवल तुम रहो मैं रहो नहीं, उसका सपना है कि एक महल हो, 50 नौकर चाकर हो, 20 गाड़ियां हो, क्योंकि वो खुद को साबित करना चाह रहा है बाहर की दुनिया में। और लड़की, सभी नहीं, जनरली लड़कियों के लिए सुकून का बिंदु है घर, परिवार, दोस्तों का समूह, एक छोटा समूह जहां इमोशंस आपस में शेयर हो जाएं, न कि ऑब्जेक्ट से वो अपने आप को डिफाइन करें। और ये
इसकी जड़ है बचपन का वो अनुभव जब बेटे को मां से अलग किया जाता है। सो नैंसी कोडोरो हैज ब्यूटिफुली रिटन द बुक टाइटल द मेल इनएक्सप्रेसिवनेस। मैं खुद एज अ कंटेंट क्रिएटर इसका सल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं इन पॉडकास्ट के थ्रू कि अगर दो मर्द आपस में इमोशनल बातें करें शायद कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा सोसाइटी में। तो करनी चाहिए। आई फेल्ट कि बसी भाई के साथ वो हुआ पर 2-3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है जो अपने उनका शायद डिवोर्स होने वाला है तो वो मेरे से बात कर रहे थे और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और मैं उनके लिए वहां रहने की कोशिश कर रहा था और जो मेरे दिमाग में जोक्स आ रहे थे उन्हें भी ब्लॉक कर रहा था क्योंकि अक्सर आपको जोक्स ट्रैक करने होते हैं अपने भाइयों के साथ पर मैं शांति से उसकी बातें सुन रहा था। ये इतना मुश्किल होता है सर आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहे इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का वहां पर क्या है। महिलाएं जब जाती हैं जी वहां कई महिलाएं बैठी हैं आराम से बात कर रही हैं एक और महिला आई सब मिलकर रोती हैं जी एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं एक की औरत है सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। सब रोई 5-7 मिनट फिर वो सातवीं महिला भी चुप हो गई फिर बातें होने लगी फिर आठवीं जब भी आएगी फिर 8 रोएंगी उसके बाद तो बहुत पता नहीं कैसे मैनेज होता। अच्छा आदमी लोगों को आप वहां देखेंगे जी किसी के दुख में जब जाते हैं एक आध मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा लग रहा है जिसको बुरा लग रहा है जिसको दुख हुआ बोलेगा हाँ कोई बात नहीं हो जाता है फिर वो जाके बैठ जाएंगे आंसू तो भूल ही जाइए आप। फिर 6-7 आदमी जहां बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे फिर खुसर खुसर शुरू कर देंगे कि भाई सेंसेक्स उठा के नहीं उठा तुम्हारा काम ठीक चल रहा है या फिर वो व्यवस्थाओं में लग जाते हैं पानी पिलाना सबको जूते सबके लाइन ठीक कर देना क्योंकि वो दुख व्यक्त करने के माहौल में रह ही नहीं सकते। जी जी और आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनके परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है अगर तुम्हारी आंख से आंसू निकलता है तुम लड़की हो लड़का नहीं हो तो लड़की होना लड़कों के लिए बहुत ही डिमीनिंग सी बात मान ली गई है जबकि ये महिलाओं की ताकत है कि वो रो सकती हैं उनकी दवाई भी है दवाई है जो हमारे पास स्ट्रेस हुआ रो लिए बात खत्म हो गई जी। एक तो हमारा वैसे ही परवरिश का जो स्ट्रक्चर है गलत है ऊपर से ये जो वैल्यू सिस्टम है कि रोए तो लड़की हो अब लड़कों की दुनिया में कोई दुखी है रोना चाहे सब मजाक बना देते हैं उसका जबकि सबको साथ देना चाहिए मिलके ना भी रोएं कम से कम साथ तो दें गले तो लगा लें पर रोना एक ऐसी बेहूदी बन गई लड़कों की दुनिया में तो फिर इलाज कहां से होगा स्ट्रेस इकट्ठा होता जा रहा है रो आ पा नहीं रहे तो बहुत क्राइसिस है लड़कों की दुनिया में क्राइसिस कम नहीं है बहुत क्राइसिस है। सोल्यूशन है इसका सोल्यूशन ये कि एक ऐसी कल्चर जिसमें रोना अच्छी बात मानी जाए सप्ताह में एक बार रोने का दिन मना लेना चाहिए जैसे होता है ना मंगलवार को फास्ट रखना है या फ्राइडे को फास्ट रखना है ऐसे एक दिन रोने का फिक्स कर देगी आज रोना ही रोना है भी आधा घंटा कम से कम रो लो वो मेरे साथ ध्यान में होता है। हाँ तो ध्यान में मैंने सुना है कई लोगों को आंसू निकलते हैं क्योंकि आपको खुद का सामना करना पड़ता है ध्यान में खुद के जज्बातों का सामना करना पड़ता है। मैं एक बार किसी के फ्यूनरल में गया था किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी और मेरा दोस्त था वो तो जब आप मिलते हो फैमिली मेंबर से फ्यूनरल में मैंने बस उसे कहा कि यार मैं हूं तेरे लिए इशारों से और वो हंसने लगा अपनी फैमिली के सामने उस दिन मुझे मर्द होने की असलियत के बारे में पता चला कि हर जगह जोक्स होते हैं यार। नहीं मुझे लगता था जब मेरी माँ की मृत्यु हुई मुझे लगता था कि मुझे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वैसा ही हूं जैसे मर्द होते हैं हमारे देश में वो इमोशनल एक्सप्रेशन कम करते करते इमोशनल ही नहीं रह पाते एक समय के बाद। मैं सरप्राइज था कि इतना कैसे मेरी नेचर चेंज हुई मैं 1 महीने बोल नहीं पाया 6 महीने फ्री नहीं हो पाया उस चीज से 1 साल लग गया मुझे उस माइंडसेट से बाहर निकलने में इसका मतलब। और मुझे खुशी है कि मैं कम से कम अपनी माँ की मृत्यु पर इतना दुखी हो पाया कि मतलब इमोशंस बचे हुए हैं ये खुशी की बात है। हर बेटे को इस दौर से गुजरना पड़ता है एट सम स्टेज
गुजरना ही पड़ता है, और बेटा ही गुजरे अच्छा है, माँ ना गुजरे तो ही अच्छा है। मतलब माँ के लिए इस चीज से गुजरना कि बेटा नहीं रहा या बेटी नहीं रही, वो ज्यादा दुख की बात है। तो ज्यादा अच्छा है कि बेटे और बेटी ही इस दर्द को झेले कि उनकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहे। इफ यू डोंट माइंड, एज अ मैन ने क्या सीखा उस फेस से? मैंने सीखा कि जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है उसकी कद्र ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि जाने के बाद अब कद्र कितनी भी करेंगे तो वो फायदा नहीं है ना। तो मतलब मैं अपनी माँ का बड़ा सम्मान भी करता था और हमारे बीच में बड़ा प्रेम भी था, पर फिर लगता है कि थोड़ा और समय दे पाता, रोज एक घंटा और बैठ पाता, ये सब दुख तो होता ही है। और ये दुख सबको होना है। जब तक पेरेंट्स हैं आप टाइम बहुत दे नहीं पाएंगे, क्योंकि आप खुद व्यस्त हैं अपनी जिंदगी में, आप सुविधाएं दे देंगे, समय नहीं दे पाएंगे। और समय में दिक्कत ये भी है कि उनकी जनरेशन का थॉट प्रोसेस, रुचियां इतनी अलग हैं कि हम 2-4-5 मिनट के बाद कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं बचता क्या बात करें। जब केयर हम कर रहे हैं वो भी हमारी केयर कर रहे हैं, लेकिन अब विचार और अनुभव और दुनिया, जरूरतें इतनी अलग अलग हैं, ज्यादा बात हो नहीं पाती है। लेकिन फिर ये कि जब वो नहीं रहते हैं तो लगता है कि काश और समय दिया होता। ये तो है, ये तो मैं सबको इतना ही बोलता हूँ जिनके पेरेंट्स ऐसी किसी अवस्था में है, कि भाई जितना हो सके करो और समय भी दो, बाद में मलाल ना रहे कि कुछ कमी रह गई। ये गिल्ट बड़ा गहरा गिल्ट होता है। मैं लाइफ के उस फेज तक पहुंच गया हूँ जहां मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, मेरे माता पिता, चाचा, मामा, मामी, सब लोग अभी थोड़े थोड़े बच्चे की तरह बन रहे हैं। हाँ। और मुझे अल्फा बनने की जरूरत ज्यादा फील हो रही है। ये भी अजीब फेज है। 30 से 40 की उम्र जिसमें अब आप आने वाले हैं ना, इस उम्र में पेरेंट्स की केयर ज्यादा करने का मामला बनता है, और 40 से 50 के बीच में जनरली उनकी जुदाई झेलने का समय आता है। जनरली हमारे देश में जो एवरेज एज है उसके हिसाब से, किसी किसी केस में थोड़ा जल्दी होता है, किसी में बहुत बाद में होता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 40 से 50 के बीच में ऐसा झटका लगता है। सो यस, यू हैव टू बी मोर अटेंटिव टूवर्ड्स देम। और क्या होता है, इस उम्र में आके ना उन्होंने जो अचीव करना था मोरलेस कर लिया होता है, वो रिटायर्ड लाइफ के आसपास पहुंच चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट ये बहुत ज्यादा नहीं है कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करे, मतलब मिडिल क्लास में, क्योंकि वो जनरली इतना उनके पास होता है कि वो अपना काम चला लेते हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता कई घरों में। उन्हें उनकी उम्र के कुछ दोस्त मिल सकें, ऐसा माहौल बना सकें, और उनके साथ दिन में 10 मिनट, आधा घंटा कम से कम बैठ के बात कर लें, हो सके तो इमोशनल बातचीत, जो पहले की जनरेशन में आसान नहीं होता था। अब जो नई जनरेशन हैं पेरेंट्स के साथ इमोशनल बातचीत ज्यादा कर पा रहे हैं, तो अब नई जनरेशन में इमोशन से गैप कम हुआ है, एक्सप्रेसिव ज्यादा हैं बच्चे। और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स हासिल बच्चों के दोस्त पहले की तुलना में ज्यादा बन पा रहे हैं, विच इज गुड। लेकिन फ्रेंडली कितना ही बन लें, फ्रेंड तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे ना, फ्रेंड तो क्यों बनाएंगे। पर फ्रेंडली भी अगर हो पा रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है। कि मुझे लगता है आज से 30 साल बाद, जब मैं 30 तो शायद बचे भी नहीं, मेरे 20-25 ही बचे होंगे। आप ये सच में मानते हो? मुझे बचपन में किसी ने कहा कि तुम्हारी उम्र 77 ईयर्स की है। अब मुझे नहीं पता उस बात में कितना वजन है, पर मैं 50 का होने वाला हूं, तो मेरे मन में बैठ गया है कि मैं 77 की एज में मरूंगा, बैठ गया है। हो सकता है एकदम गलत हो, कल का भी क्या भरोसा है। इसको ब्लिक कहते हैं फिलोसफी में। क्या ब्लिक? ब्लिक का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका कोई कॉग्निटिव एविडेंशियल बेस नहीं है, पर एक बात बैठ गई है मन में, एंड विच यू ट्रीट एज ए फैक्ट एंड यू डिसाइड अबाउट समथिंग ऑन दैट बेसिस। तो मैं ये मान के चलता हूं कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूं कितने साल बचे हुए हैं। हो सकता है मैं कहीं मर जाऊं, क्या भरोसा, तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब मेरा अनुमान है कि वैसे भी तो भारत की एवरेज एज उतनी ही है, तो मैं क्यों मानूं कि उससे ज्यादा मिलेगा। सो ब्लिक इज जैसे वही, मुझे ब्लिक है कि 77 तक करीब रहना है, 25-27 साल अभी है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी जिंदगी के बाकी फैसले करूंगा। ओके,
दोस्तों TRS Clips हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।